गुड मॉर्निंग क्लास 12th। स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है और उसमें टोटल कैपेसिटेंस कैसे आता है, और उससे रिलेटेड वर्कशीट भी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। अब हम बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक, ये दोनों ही जो टॉपिक आज मैं करवाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कि एक कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, और दूसरा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैपेसिटर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का मतलब, सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है हमें पता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, यानी दो पैरेलल प्लेट, जनरली हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, तो दो प्लेट्स होती है जो चार्ज को स्टोर करती है, यानी एनर्जी को स्टोर करती है, तो उसी एनर्जी को बोलते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। क्या होती है, द वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो जो बैटरी वर्क करती है, यानी उस चार्ज को स्टोर करने में जो वर्क किया जाता है, वही क्या होता है हमारा एनर्जी ऑफ या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होती है। और ये एनर्जी उसे कौन प्रोवाइड करती है, तो इसका आंसर है ये एनर्जी उसे बैटरी प्रोवाइड करती है। जो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है वो चार्ज पे वर्क करती है, और उसी चार्ज उसी केमिकल एनर्जी को कैपेसिटर है वो स्टोर करता है। अगर हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दें, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करें, तो वो केमिकल एनर्जी फिर से हमारी बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है। यानी बैटरी है जो वर्क डन करती है चार्ज को ट्रांसफर करने में, उसी वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या कंसीडर किया है, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया है जिसकी प्लेट्स का एरिया क्या है ए, और उसके बीच की सेपरेशन क्या है हमारी डी है। और हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि जो प्लेट टू है वो प्लेट वन को चार्ज ट्रांसफर कर रही है। यहां पे देखिए डी क्या उसे इस तरफ ट्रांसफर हो रहा है, यानी प्लेट टू से पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट वन पे ट्रांसफर हो रहा है, तो प्लेट टू हमारी नेगेटिवली चार्ज है और प्लेट वन क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब हम सपोज करते हैं कि किसी भी टाइम में डी क्या डैश चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है, किसी भी टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, डी क्या डैश चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, जितना हमारा चार्ज ट्रांसफर हुआ है। अब प्लेट्स का पोटेंशियल क्या होगा, तो मान लो हमने जिस टाइम चार्जिंग शुरू की उस टाइम इसके पास क्या डैश चार्ज था, तो इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, हमें पता है क्या डैश किसके इक्वल होता है, सी इंटू वी के इक्वल होगा, यानी हमारा पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, सी इंटू क्या डैश के इक्वल, सॉरी क्या डैश अपॉन सी के इक्वल आ जाएगा पोटेंशियल किसी भी टाइम में। तो हमने वी की वैल्यू पुट कर दी क्या डैश अपॉन सी, ये तो है स्मॉल चार्ज जब हमने एडिशनल चार्ज इसको प्रोवाइड करवाया है उस टाइम का वर्क डन। अगर हम टोटल वर्क डन निकाल लें तो वही टोटल वर्क डन हमारा क्या बनने वाला है बेटा, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, क्या बनेगा एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल क्या तक। अगर हम इसे कैपिटल क्या चार्ज दे रहे हैं तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, जीरो से कैपिटल क्या डैश अपॉन सी डी क्या, सी कैपेसिटर की कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगी क्या डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या डैश स्क्वेयर बाय टू। अब हमने इंटीग्रेशन पुट की, पहले क्या पुट करेंगे तो क्या स्क्वेयर हो गया, फिर जीरो पुट करेंगे तो जीरो, इसलिए हमने दूसरा इंटीग्रेशन नहीं पुट किया है। तो ये जो हमारा वर्क डन आया है वो क्या आया है, हाफ क्या स्क्वेयर सी, हाफ क्या स्क्वेयर सी, और यही वर्क डन किसमें स्टोर होता है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या आ गई हमारी, हाफ क्या स्क्वेयर सी के इक्वल आ गई, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। क्लियर, निकालेंगे कैसे, वर्क डन कैलकुलेट करके हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। अब हमें पता है कि क्या वो किसके बराबर होता है, सी इंटू वी के इक्वल होता है, चार्ज जो होता है वो होता है कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल, तो इस क्या की जगह अगर हम सी इंटू वी पुट करें तो हमारे पास एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ सी स्क्वेयर आ गया,
और क्या की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सी इंटू बी, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ सी क्यूब वी स्क्वायर। और अगर हम इस क्या की जगह, इस सी की जगह पुट करें क्या बाय बी, इस सी की जगह क्या पुट कर देंगे क्या बाय बी, तो हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ क्या की क्यूब डिवाइड बाय सी। तो इस तरह से हम एनर्जी के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले है वो बना सकते हैं। क्या इज इक्वल टू होता है सी वी स्क्वेयर, तो इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा यहां से देखिए, क्या इंटू सी को हम वी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा हाफ सी वी। क्लियर, तो एनर्जी के तीन चार फॉर्मूले, लेकिन बेसिक क्या है, हाफ क्या स्क्वेयर सी है या हाफ सी इंटू वी। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो हम यहां से बना सकते हैं। क्लियर, अगर हम किसी कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन में डालते हैं, चाहे पैरेलल में लगाएं कैपेसिटर्स को चाहे सीरीज में लगाएं, तो हमेशा टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, सम ऑफ ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, किसके इक्वल होगी, सम ऑफ ऑल द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, यानी टोटल एनर्जी यू इज इक्वल होगी यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नेम है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैपेसिटर। हमने क्या देखा, यहां पर देखिए, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो बी प्लेट टू है वो नेगेटिव चार्ज है उसके पास, और प्लेट वन के पास है पॉजिटिव चार्ज, यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम जितनी एनर्जी लेता है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और वो एनर्जी स्टोर क्या है, वो एनर्जी स्टोर है जब चार्ज में, जब हम कैपेसिटर को चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम जो हमने वर्क डन किया है वो। अगर हम मान ले कि सिग्मा क्या है, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए प्लेट्स का एरिया है और बी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, तो सी इज इक्वल आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में किया हुआ है, और ये भी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा क्या आ गया, ई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो चार्जिंग कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर को कितना चार्ज ले सकता है, तो अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ए उसका एरिया है, तो चार्ज क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है, तो आंसर है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, सॉरी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, यहां पर फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इतनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो हम क्या देखते हैं, एनर्जी स्टोर कितनी आती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू सी। तो कोई कैपेसिटर है वो इतनी एनर्जी भी स्टोर कर सकता है, कोई कैपेसिटर है वो इतनी एनर्जी भी स्टोर कर सकता है सेम कैपेसिटर के लिए, लेकिन इसमें हम किसका कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसीलिए टॉपिक का नाम है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैपेसिटर। क्लियर, अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ए एरिया ऑफ प्लेट्स है और डी सेपरेशन है, तो वॉल्यूम क्या आ गई, एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो ए डी से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होती है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, यहां पर फॉर्मूला गलत लिख दिया था, तो ये क्यू स्क्वायर बाय सी आ गया, यहां से एक और फॉर्मूला बनेगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, या फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, हाफ क्यू इंटू वी, हाफ क्यू वी, ये भी फॉर्मूला हमारा बनेगा एनर्जी का। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर कर रही है, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, और उसकी वैल्यू क्या आती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।